अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। वॉशिंग मशीन। वीडियो कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दो दिवसीय धरना प्रदर्शन का है, जहां तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने अनोखे अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा। ममता मंच पर एक प्रतीकात्मक वॉशिंग मशीन लेकर पहुंची, जिसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन बताया। इसके जरिए उन्होंने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोप वाले नेता बीजेपी में शामिल होकर दोष मुक्त हो जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी काले कपड़े को मशीन में डाल रही हैं, इसके बाद वो इससे सफेद कपड़ा बाहर निकालती हैं। ममता ऐसा कई बार करती नजर आती हैं। तो वहीं मंच पर मौजूद टीएमसी कार्यकर्ता वॉशिंग वॉशिंग भाजपा के नारे लगा रहे हैं। जो वॉशिंग मशीन दिखाई गई है उस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा है। इस वीडियो को टीएमसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी नीत केंद्र सरकार के खिलाफ दो दिवसीय धरने का आयोजन किया है। धरना शुरू करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है, चोरों और लुटेरों की लिस्ट निकालो, वे सभी वहां बैठे हैं। मुझे संविधान के बारे में उनके प्रवचन सुनने हैं। सीएम ममता ने कहा, मुझे धरना देने का पूरा अधिकार है, जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री आवास पर भी धरने पर बैठ सकती हूं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। उससे पहले केंद्र से मिलने वाले फंड को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, केंद्र सरकार राज्य में केंद्रीय योजनाओं के लिए फंड नहीं दे रही है। दूसरी तरफ विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर बीजेपी को घेर रहा है, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोला। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।